नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। जनपद झांसी के मऊरानीपुर में भी अब टप्पेबाजी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी हैं। यहां पंजाब नेशनल बैंक के सामने एक महिला के थैले से सातिर चोरों ने 30,000 रुपए साफ कर दिए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आज मऊ देहात निवासी एक महिला पंजाब नेशनल बैंक मऊरानीपुर में प्रधानमंत्री आवास के पैसे निकालने आई थी। बैंक से 40,000 रुपए निकाल कर अपने थैले में रख कर बैंक से बाहर निकली ही थी, तभी पहले से घात लगाए शातिर चोरों ने उसके थैले से 30,000 रुपए निकाल लिए और रफू चक्कर हो गए। जब इसकी जानकारी महिला को हुई तो महिला बैंक के सामने ही गिर पड़ी और रोने लगी। यह नज़ारा देख वहां भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। बैंक के पास ही इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बैंक का कोई भी कर्मचारी बैंक के बाहर तक नहीं निकला और ना ही किसी ने महिला की सहायता करने की कोशिश की। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मऊरानीपुर से शैलेंद्र धमेनिया की रिपोर्ट। क्या घटना हो गई? हमारी जगह घटना, हमारी जोराने से हमारे ब्लेड पे चाकू मार के रुपया निकाल ले गए। कितने रुपये निकाले? 40 निकाले थे। 40,000 निकाले थे बैंक से? कौन से बैंक? पंजाब बैंक से। 40,000 निकाले थे? हाँ। कितने रुपये चले गए आपके? 30,000 चले गए। हाँ। कितने बचे? 10,000 बचे। कहाँ के पैसे थे? जी आवास के। कहाँ से? मऊ देहात रेलवे स्टेशन। अभी किसी को जानकारी थी? ना, किसी को नहीं थी जानकारी। उससे बात हुई? हाँ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? पुलिस पुलिस देख कह रही थी मिल जाएगा तुम्हारे पैसे। आपको किस किस की बस है? किसी की बस ना? हमको नहीं देख ही नहीं पाया, कोई भी शक नहीं है। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताजातरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।